वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी टॉक्स विद आर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। कम्युनिकेबल यानी वार्तालाप जो डिसीज होती है, मतलब हम बातचीत करने में जो भी हमारे डिसीज एक दूसरे से लग जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा, और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम आगे सपोर्ट करते रहें, और ऐसी स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है। कम्युनिकेबल डिसीज इज वन दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एनिमल्स टू अनदर और फ्रॉम अ सर्फस टू अ पर्सन। मतलब कम्युनिकेशन, ये डिजीज जो होती है किससे स्प्रेड होती है, किससे फैलती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। दे आर द रिजल्ट्स ऑफ पैथोजन्स सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस एंड बैक्टीरियाज के थ्रू ये फैलती है। कम्युनिकेशन डिजीज के इंक्लूड्स कोल्ड एंड फ्लू, और ये जब हमें खांसी नज़ला हो जाता है, फ्लू हो जाता है, उसके द्वारा फैलती है। कम्युनिकेबल डिजीज कैन ट्रांसमिट थ्रू कॉन्टैक्ट विद बॉडली फ्लूइड्स, इंसेक्ट बाइट, कॉन्टिनेंटल सरफेस, वाटर एंड फूड, अदर थ्रू द एयर। जब हम कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, जैसे किसी को फ्लू हो रहा हो, किसी को कोल्ड हो रहा हो, तो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उसके थ्रू हम पानी से या खाने से या हवा से, उसके थ्रू हमारे पास वो ये डिजीज़ फैल जाती है। वंस अ पैथोजन हैज़ एंटर्ड ए पर्सन बॉडी, जब ये एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल जाती है, इट ऑफन विल बींग रेप्लिकेबल। द इंडिविजुअल्स मे देम बिगिंस टू एक्सपीरियंस सिम्टम्स विल डिपेंड ऑन द डिजीज। फॉर मेन टाइप्स ऑफ पैथोजन्स कॉज इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ। तो ये किसके थ्रू फैलती है, बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस के थ्रू। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर। आपको इससे हेल्प मिली है, आपके लिए यूज़फुल रही है वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे दूसरों की भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।